ओम शांति। नवरात्रि के नौवे दिवस में आपका स्वागत है। आज हम नव दुर्गा की आखिरी शक्ति सिद्धिदात्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां देने वाली हैं। उनका नाम और स्वरूप यही संदेश देता है कि नवरात्रि के इस अंतिम दिन पूरे जीवन काल में सुखी जीवन जीने का वरदान यह देवी दे रही है। इन्हें बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। वे धन, सुंदरता, कला और आध्यात्मिक उपलब्धि की देवी हैं। उन्हें कमल आसन पर दिखाते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण करने की निशानी है। उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र है, जो तीनों कालों का ज्ञान धारण कर स्वयं का दर्शन करने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में शंख है, ज्ञान का शंख, जो सेवा का प्रतीक है। तीसरे हाथ में गदा है, जो योग शक्ति की निशानी है। और चौथे हाथ में कमल है, जो पवित्रता की धारणा द्वारा न्यारा और प्यारा रहने की निशानी है। तो आइए अपने जीवन में हम सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाले बने। स्वयं को इस स्वमान में स्थित करें कि मैं रूहानी वॉरियर हूं। स्वदर्शन चक्रधारी हूं। ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाला हूं। योग शक्ति की गदा धारण किए कमल आसन पर विराजमान हूं। इन चारों अस्त्र को अपने जीवन में धारण कर मैं किसी भी प्रकार की माया
या विकारों का सामना करने के लिए तैयार हूं। उनका विनाश कर सहज ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव करता हूं। और सिद्धि स्वरूप बन जाता हूं। मेरी दृष्टि और वृत्ति द्वारा मैं औरों को भी सिद्धियां देने वाली हूं। ओम शांति।